अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस डॉक्यूमेंट्री इज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाई अ स्टूडेंट शुड जॉइन यूनिवर्सिटी ऑल्दो ही कैन गेट सक्सेस बाय एक्वायरिंग एंड लर्निंग स्किल्स। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू जॉइन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई शुड वी जॉइन यूनिवर्सिटी व्हेन वी कैन अर्न मनी विदाउट टेकिंग द डिग्री। येस, इन अ वे यू आर राइट दैट मैनी पीपल आर अर्निंग मनी एंड दे आर प्रोफेशनली क्वाइट साउंड इवन इफ दे हैव नॉट जॉइन यूनिवर्सिटी, बट स्टिल ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ठीक है, इफ़ वन इज़ प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली साउंड तो इट्स ओके, फाइन, यू डोंट need to spend money on your education, but I am against this thought, I am against this point of view. If you can afford education at the university, it should be a must for you. I would not say that each and every person should do MS or should do PhD, no, not at all, but minimum you should at least have the exposure of the university until your BS level, because it's not just that you are coming here to take the degree, you are getting a lot more than that particular piece of paper. You are getting many aspects related to your personality grooming, you are getting more confidence, you are getting exposure, you are getting good and effective communication skills, you are getting many other social skills which are required to survive in this society. Mera naam hai Ibrahim aur aaj hamare sath Rizwan bhai maujood hain। रिजवान भाई 6th सेमेस्टर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कॉन्सेट्स यूनिवर्सिटी वाक के स्टूडेंट हैं और आज हम इनसे पता करेंगे कि एक जो FSC लेवल का स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करे। मतलब फ़ाइनल गोल अगर एक इज़्ज़त की रोज़ी कमाना है, एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, तो वो तो हम स्किल हासिल करके लाइक अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो हम वेब डेवलपमेंट की स्किल हासिल करके, IT की स्किल हासिल करके हम वो गोल्स अचीव कर सकते हैं, वो माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं। सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू जॉइन यूनिवर्सिटी। रिजवान भाई प्लीज़, आपका इस बारे में क्या कहना है? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, आपने बुलाया और क्वेश्चन किया ऐसा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि सबसे पहले हमारी फील्ड है ही ऐसी, ये सबको पता है कि हम लोग अगर हमारे पास स्किल्स हैं इस फील्ड के तो जॉब मिल जाती है, नो डाउट। इस फील्ड के लिए स्किल्स के अलावा आपको ना CGPA आपको मैटर करता है, नथिंग एल्स, आप जस्ट स्किल्स आते हैं। इवन हम लोगों ने सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी प्रोग्रामिंग की फील्ड में, वेब डेवलपमेंट में काम करते देखे हैं। सही, बट जो चीज़ है ना, जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं FSC के लेवल तक आप एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में रहे होते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं एक ओपन इन्वायरमेंट मिलता है, तरह तरह के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, डिफरेंट आपको सोशल वर्क करने का मौका मिलता है, सोसाइटीज होती हैं आप वो ज्वाइन करते हैं, आपके अंदर डिफरेंट स्किल्स और भी आते हैं, जस्ट इस डिग्री के हवाले से नहीं, मैनेजमेंट स्किल्स आते हैं आपके अंदर, आपके अंदर और बहुत सी चीज़ें आती हैं, आपकी ग्रूमिंग होती है, एक मेच्योरिटी का लेवल आता है। सेकंड ईयर का कुछ भी आप कह लो, बच्चा बच्चा ही होता है, काफ़ी हद तक इमेच्योर होता है। यूनिवर्सिटी में आके बहुत सी चीज़ें देख के, हैंडल करके, मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह चीज़ें मैनेज करके, ये चीज़ें इंसान सीखता है। ये ग्रूमिंग आपकी उन स्किल्स को जस्ट सीख के जॉब पर जाने से नहीं होती, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको सीखना पड़ता है, लोगों से बात कैसे करनी है, एटलीस्ट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होते हैं, बात करने का तरीका। अक्सर अवकात हम लोग बात ठीक कर रहे होते हैं, हमारी टोन ठीक नहीं होती है, बिल्कुल तरीका नहीं आता होता, लेस कॉन्फिडेंट होते हैं बच्चे, कॉन्फिडेंस नहीं होता, बात करना चाह रहे होते हैं, बात ठीक होती है, नॉलेज होता है, लेकिन वो जवाब दे नहीं पा रहे होते हैं, यहाँ आके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब अहमद है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ कॉन्सेट्स वा कैंपस का। मैं आज यूनिवर्सिटी लाइफ और कॉलेज लाइफ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं जो कॉलेज लाइफ में था तो अपनी बात मैं लोगों के बीच में खड़ा होकर अपनी पर्सनल बात भी नहीं कर सकता था, मुझे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और यूनिवर्सिटी लाइफ में आने के बाद मुझे इतना एक्सपोजर मिला है, इतना मैच्योर हो गया हूँ कि मैं अब अपनी बात लोगों के बीच में बैठ के और स्टेज, बल्कि मैं स्टेज पर जा कर भी अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद फ़ाइक अदनान है और मैं कॉन्सेट यूनिवर्सिटी में से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी में आपको क्यों आना चाहिए। यूनिवर्सिटी में आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको सोशलाइजिंग का मौका मिलता है, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ माइंड सेट के लोग आते हैं, आप थिंक आउट ऑफ बॉक्स करते हैं यहाँ पे आके, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ हैं, आप उन सोसाइटीज़ में जाके मुख्तलिफ़ लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और इस तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, और मेरे नज़दीक ये एक वैलिड पॉइंट है कि जिसकी वजह से आपको यूनिवर्सिटी में आना चाहिए।
If I give my own personal opinion about this very important topic that is being raised, so I would like to share my own personal experience. If I look the student before university life and the student now in first semester, so there is a lot of difference between those two. So university aane ke baad जो फर्स्ट चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं जिनके साथ हमें बातचीत करने का मौका मिलता है, जिनके साथ हमें गेट टुगेदर्स करने का मौका मिलता है और ग्रुप टास्क करने का मौका मिलता है। इन ग्रुप टास्क के ज़रिए हमें ना सिर्फ कोलैबोरेशन आती है बल्कि हमें डिफरेंट माइंडसेट्स के लोगों के साथ किस तरह से डील करना है हमें ये चीज़ हमें सिखाई जाती है। यूनिवर्सिटी लाइफ नॉट ओनली शेप्स अ पर्सन्स personality, but it also plays an important role in its professional life. If I talk about the personality, university life plays a very important role. जैसे कि मैंने अपने आप की बात की तो different cultures के people के साथ हमें बातचीत करने का मौका मिला। अब अगर हम इसी को professional life के लिहाज से देखें तो yes, it is also a fact कि university हम join करने के बगैर भी हम skills हासिल कर सकते हैं और अपनी professional life में growth कर सकते हैं। But what the question arises that what special does university provide to students which motivates a student to join university? So university life हमें एक platform provide करती है और एक guidance provide करती है। Like अगर मैं अपने software engineering की बात करूँ तो अगर मैं university आने से पहले या university से बगैर software engineering सीख रहा होता तो I was not properly guided. मुझे नहीं पता होता कि मुझे सबसे पहले क्या चीज़ पढ़नी है फिर क्या चीज़ पढ़नी है। इन शॉर्ट आई वॉज नॉट एबल टू मेक अ क्लियर रोड मैप टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स अ प्रॉपर गाइडलाइन, लाइक यूनिवर्सिटी हैज़ अ प्रॉपर करिकुलम एंड दैट करिकुलम विल हेल्प स्टूडेंट टू परस्यू इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आबिद हुसैन है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाह कैंपस से। हम वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल घर से भी सीख सकते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी हम इसलिए आते हैं ताकि हम डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर सकें। को करिकुलर एक्टिविटीज़ से हम यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, लोगों से इंटरेक्शन कैसे करना होता है वो भी सीखते हैं हम, और हम इवेंट्स मैनेज भी करते हैं, उससे भी हमें मैनेजमेंट आती है कैसे कोई भी ज़िंदगी में काम करना, कोई इवेंट आ जाए कैसे मैनेज करते हैं उसे, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल्ला। मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं आना चाहता था, यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे वालदैन ने मुझे कहा कि बेटा यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ोगे लिखोगे अच्छी डिग्री हासिल करोगे और ताकि आगे प्रोफेशनल लाइफ में तुम कामयाब हो सको। मैं स्किल सीख के ना ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता था और बिज़नेस करना चाहता था, लेकिन अब्बू ने फोर्स किया कि बेटा यूनिवर्सिटी में जाकर तुमने पढ़ना है और डिग्री हासिल करनी है, तो इसलिए मैंने अपने वालदैन की बात मान ली और यूनिवर्सिटी आ गया। और यहाँ आके मुझे पता चला कि किस तरह लोगों से इंटरेक्ट करना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह डिफरेंट लोगों से मिलजुल के रहना है, कोऑपरेट करना है, बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उनसे मैंने इंटरेक्ट किया और अपने कल्चर को और डिफरेंट इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको सीखने का मौका मिला कि किस तरह इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और मैंने बहुत कुछ सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आज इस हमारे ग्रुप की डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हुई है और आई होप ये डॉक्यूमेंट्री आप सबको पसंद आई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डॉक्यूमेंट्री थी कि व्हाई आर स्टूडेंट शुड जॉइन यूनिवर्सिटी। भाई बात ये है कि हम लोग स्किल्स तो घर से हासिल करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बट व्हाई यू शुड जॉइन यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने रेस किया, और आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क अस इन द कमेंट्स।